क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो भैया लॉयड मिरर कर सकता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म भी कर सकता है, YDSC हम लोगों ने कर ही रखा है, ठीक है। बट ये प्रिज्म जो होता है ना, ये हमारा आंसर है, बट ये क्या करता है, ये कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि अगर हम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, और हर कलर के लिए क्या होता है, वो मटेरियल के, हर मटेरियल के लिए अलग अलग स्पीड हो जाती है। तो अगर वो अलग अलग स्पीड्स हो गई और मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज हो गई, तो फिर वहां पर क्या होगा, हमको एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा, मिलेगा पर कुछ कलर्ड टाइप का मिलेगा जो कि हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई प्रिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। जबकि आप ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म जो होता है ना, इसमें प्रिज्म तो होता है लेकिन बहुत ही छोटे एंगल पर होता है, तो जो डिस्पर्जन होता है ना वो बहुत ही मिनिमल होता है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में, हम लोग देखते हैं, ठीक है।